नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। मधेपुरा एसपी योगेंद्र कुमार ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए एक अहम जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अपराधी जय जय सहनी प्रेसर पारो सहनी साकिन पुरैनी बाजार वार्ड नंबर 5 थाना पुरैनी जिला मधेपुरा के द्वारा हथियार का भय दिखाते हुए गोली मारकर 40,000 रुपये लूट लिया गया था। थाना अध्यक्ष पुरैनी दीपक चंद्र दास द्वारा टीम बनाकर दिनांक 26/8/21 को अपराधी जय जय सहनी को उसके घर से कान में लूटी गई राशि में से 1,000 रुपये एवं घटना में प्रयुक्त किए गए वाहन स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में पुरैनी थाना कांड संख्या 129/21 धारा 394 एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया। इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अपराधी राहुल कुमार पेशर वकील सहनी साकिन पुरैनी बाजार वार्ड नंबर 9 एवं राजीव राम पेशर दिलीप राम उर्फ विमल राम साकिन पुरैनी वार्ड नंबर 13 दोनों थाना पुरैनी जिला मधेपुरा को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के द्वारा पूर्व में भी पुरैनी थाना अंतर्गत घटना को अंजाम दिया गया था। आगे एसपी योगेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। गोली मार के लूट करने की एक घटना को डिटेक्ट किया गया है। इसमें 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, तीनों पुरैनी के रहने वाले हैं। 26 तारीख को एक फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से 40,000 रुपये की लूट हुई थी। इस क्रम में इन अपराधियों ने उसको गोली भी मार दी गई थी, जिसके बाद उसको इलाज के लिए ले जाया गया था। उसकी हालत अभी ठीक है। तो हम लोग ने सूचना के आधार पर एसटीपीओ उदय किशन के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी, जिसमें एसएचओ पुरैनी और आसपास के थाने थे, टेक्निकल सेल के लोग थे। इन्होंने बड़ी मेहनत से 2 दिन के अंदर इस घटना का पर्दाफाश किया है। इसमें 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक का नाम जयजयराम सैनी है, दूसरे का राहुल कुमार है, तीसरे का नाम राजीव राम है। इसमें इन लोगों ने जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था वो भी बरामद कर लिया गया है, और लूटी हुई राशि में से 1,000 रुपये की राशि को भी हम लोग ने बरामद कर लिया है। पूछताछ में हम लोग को ये मालूम पड़ा है कि इस गैंग में और भी सदस्य हैं, और इन लोगों ने पिछले 1-2 महीना में ही ये अपराधी घटनाएं करना स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने बिहारीगंज पुरैनी में 3 कांड और बिहारीगंज में 1 कांड ऑलरेडी इन्होंने दर्ज किया हुआ था। इस प्रकार से इस गैंग में 4 आपराधिक मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं। तो इस प्रकार से कुल 4 आपराधिक मुकदमे जो लूट और छीन छोड़ से रिलेटेड थे वो भी इसमें डिटेक्ट हो गए हैं। और भी हम लोग को इसमें जानकारी मिली है इनके अन्य सदस्यों के बारे में, तो उस पर भी मैंने निर्देश दिया है कि जल्द छापेमारी करके उनकी भी गिरफ्तारी करें।